मोबाइल चलाओगी, मोबाइल चलाओगी, अभी तोड़ देंगे मोबाइल। देखिए बच्चों मेरे मोबाइल तोड़ रहे हैं। अभी 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 तोड़ दे। तो दोस्तों आप लोगों ने ये थंबनेल देखा है तो आप लोग को पता चल गया है कि ये वीडियो कैसा है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों ये जो इंसान है ना, इंसान का आधा हिस्सा यानी कि इंसान का एक हिस्सा मोबाइल हो गया है। अगर इंसान के पास ये मोबाइल नहीं है तो उसको चैन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि मैं इस मोबाइल से जो भी कार्य करता हूँ, अगर मेरे पास एक घंटे के लिए मोबाइल हटा दिया जाए मेरे पास से, तो मैं व्याकुल हो जाऊँगा मोबाइल के लिए, क्योंकि मुझे इसी मोबाइल से जो भी कार्य करना रहता है, जो भी वर्क करना रहता है, वो चीज़ मैं करता हूँ मोबाइल से। और जिनके पास मोबाइल रहता है वो अपना मोबाइल से अनेकों कार्य करते हैं, कोई वीडियो देखता है, कोई कुछ करता है अपने मोबाइल से, वो अपना टाइम पास करता है, मनोरंजन करता है, इंटरटेनमेंट करता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के दौर पर ये मोबाइल हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गई है। अगर एक इंसान अगर मोबाइल चला रहा है, उससे मोबाइल ले लिया जाए एक घंटे के लिए, तो मोबाइल बिना नहीं रह पाएगा। ऐसा ये समय, ऐसा ये स्थिति आ गई है कि इस समय हर एक इंसान के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई बिना एक बड़ा मोबाइल लिए नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, टाइम पास है, सब कुछ इसमें है, शिक्षा है, सीख है, सब कुछ है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग दोनों लोग अपने लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से जुड़ी हुई लाइफ स्टाइल वीडियो, ब्लॉग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो मोबाइल से ये जो मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है, यह मेरी मोबाइल ख़राब हो गई है जो कि अभी न्यू मोबाइल थी। दोस्तों इस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, ये जो मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों वो भी बताऊंगा। और दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे लिए मोबाइल कितना ज़रूरी है। मोबाइल के बिना कोई कार्य नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ तो जब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे कुछ करूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों आप लोग से फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी मोबाइल है, इस मोबाइल से जो मेरा वीडियो शूट हो रहा है, ये मोबाइल मेरी फाइनली ख़राब हो चुकी है, जो कि अभी न्यू मोबाइल थी, ऑटोमेटिक ख़राब हो गई है और चार्जिंग प्रॉब्लम्स आ गई है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रही है। हो रही है 12-13 घंटे में 30% 40% यही चार्ज हो रही है। अब सोचिए आप लोग 12-13 घंटे में 30% 40% सिर्फ चार्ज हो रही है। अब बताइए कितना दिक्कत वाली बात है। मैं दुकान पर लेकर गया मोबाइल रिपेयर दुकान पर, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि आपका ये जो चार्जिंग पिन है, इसको सॉकेट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है चेंज कर दीजिए। तो बोला भाई साहब जो थे दुकान वाले, वो बोले कि आपको मोबाइल रखना पड़ेगा, 2 दिन के लिए मोबाइल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और 2 दिन मोबाइल शॉप पर अगर 2 दिन में मोबाइल रख दूं तो फिर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए आप लोग से मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो मेरी मोबाइल है, ये मेरी बीवी का मोबाइल है और ये भी बहुत पुरानी मोबाइल है, बहुत पुरानी मोबाइल है, 1 साल से ऊपर हो गया इस मोबाइल को, और इसका कैमरा क्वालिटी सही नहीं है तो इससे हम लोग वीडियो नहीं शूट करते हैं। ये जिस मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है इसी से हम हर एक काम करते हैं, ये सिर्फ इसमें सिर्फ वीडियो देखते हैं, लेकिन जो भी काम होता है जिस मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है इसी मोबाइल से हम सब कुछ करते हैं, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, हर एक कार्य इसी मोबाइल से होता है। तो इसी मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया है। तो दोस्तों आप लोग से बताना चाहता हूँ, मोबाइल 2 दिन के लिए
दुकान पर मुझे छोड़ना पड़ेगा रिपेयर के लिए, क्योंकि दुकान वाले बोले हैं कि 2 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका मोबाइल रिपेयर होगा, तब आप अपना मोबाइल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग गुजरात में हैं तो यहाँ दुकानें भी बहुत कम हैं, सिटी में हैं सब दुकानें, तो दूर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि 1-2-3 इसी तरह दुकानें हैं तो वो लोग मतलब मोबाइल रखने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों 2-3 दिन हो सकता है तो वीडियो नहीं आएगा, और आप लोग इस मोबाइल के बारे में बता ही दिए हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी सही नहीं है, इससे हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से फाइनली मैं यही बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन तक आप लोग वेट करिएगा, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग होकर आ जाएगी हमारी, तो उसके बाद हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, या तो जो पुरानी वीडियो हम शूट करके रखे हैं उसको एडिट करके हो सकता है तो डालेंगे, वरना अगर हमारे पास वीडियो नहीं रहेगा तो जब मोबाइल हमारा रिपेयर होकर आ जाएगी तब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले थे कि मेरी मोबाइल ख़राब हो चुकी है, अब रिपेयर के लिए मुझे देना है, 2 दिन वेट करना है, उसके बाद मोबाइल फिर से ऑलरेडी होकर आ जाएगी और फिर से मैं अपना यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस यही आप लोग को बताने वाला था, फाइनली आप लोग को जानकारी समझ में आ गई है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जो बताइएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, कब मोबाइल बनाने के बाद। तो चलिए बाय बाय।